आदमी पार्टी को, पानी का जिक्र नहीं किया जाता कभी भी। जब पानी लेने की बात होती पानी है तो का तमाम, तमाम सारे विधायक मंत्री इकट्ठे होते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पानी का जिक्र 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया था, रेवाड़ी के अंदर आए थे वो, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का 65% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, उस पानी पे हरियाणा का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान का हक है, मैं उस पानी को वापस लेके आऊंगा। 10 साल में एक बूंद वापस लेके आए, एक बूंद रोका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1966 के अंदर हरियाणा बना था, तब से ये रोला चल रहा पानी का। उसके बाद कोर्ट ने सुनिए मेरी बात को, सुनिए आपके क्वेश्चन का जवाब से। 1966 से लेकर 2024 आ गया, 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तीनों जगह पंजाब में भी हरियाणा के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार भी रह ली, कांग्रेस की सरकार भी रह ली, ये मुद्दा उन्होंने हल तो नहीं किया। ये SYL उन्होंने बंद कराई थी ना, उनसे तो सवाल नहीं पूछा कभी। पानी बांटना देश के प्रधानमंत्री का काम है, देश का प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती, उनको फैसला करना पड़ेगा। पानी भाखड़ा नंगल से बांटना है, पानी किसी राज्य ने नहीं बांटना। पानी जब भाखड़ा नंगल से बांटना है तो केंद्र सरकार देश का प्रधानमंत्री इस पानी को तैयार करना। देखिए कल तक रो रहे थे मेरे पास पानी नहीं है, आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई तो हरियाणा का पानी और बांध दिया। क्यों? क्यों वहां लोकसभा की सीट फालतू है, इसलिए बस। हरियाणा वाले तो पहले ही परेशान है, फिर हरियाणा का पानी राजस्थान को क्यों मिल रहा है जब पानी की कमी है और सारे दिखते हैं। आज हरियाणा का पानी राजस्थान को क्यों मिला जा रहा बताए? आज से पहले तो नहीं गया, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार आ गई, वहां पे लोकसभा की सीट फालतू है, वहां पे इनको वोट चाहिए, हरियाणा वाले से क्या चाहिए।